What's up, Cap Gang? Welcome back to brand new PUBG Mobile video. आ गए हम लोग एक मजेदार और शानदार और पेलम पाली वाले गेम प्ले के साथ। तो यार पता है मैं ना आज क्या कर रहा था, तो मैंने ना रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी ठीक है यूट्यूब पे जाकर के, एंड तो मेरे को उनमें ना एक क्या हुआ था कि देखते देखते ऐसा हुआ कि मेरे को एकदम से अपने सिंगल होने पर याद आ गया। लाइक मैं देख रहा था कि मैं कितना सिंगल हूँ जिंदगी में, ना कोई आस पास दूर दूर तक लड़की नहीं है। तो फिर मैंने ना क्या करा, उसके थोड़े बाद ठीक है प्ले स्टोर खोला और वहाँ पर मेरे को ये चीज़ मिली। अरे भाई अरे पूछो मत भाई, मैं हंस हंस के पागल हो गया था। ये जो तुमने अभी देखा ये एक्चुअली एक फेस ऐप है, प्रमोशन नहीं है ये, ठीक है प्रमोशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को बहुत मजा आया था तो मैंने कहा यार ये शेयर करना चाहिए, जिसके अंदर तुम अपना एक्चुअली चेहरा चिपका सकते हो। अरे भाई पागल ही चीज़ है। तो भाई मेरे को उतरते ही ना कट्टा मिल गया, एंड भाई कट्टा मैन बन गया तुम्हारा भाई का, यू नो उतरते कट्टा बॉय यार, कट्टा मारेगा खींच करके तुम्हारे को यहीं से फेंक करके, हैं मजे आ जाएंगे जिंदगी के। आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ हो तुम, कट्टा फेंक के मारते हैं तुम्हें, कहाँ है? अरे भाई कहाँ चले गए, ए कट्टा तो खा लो। ओहो अब भाई इनको ना कट्टा मैन की ताकतों की ताकत का ना पता नहीं था। वो बंदा खुले में रिवाइव तो ऐसे दे रहा था जैसे उसका घर हो, मगर इसे का पता था कि एक नहीं दो नहीं तीन तीन ग्रेनेड फेंके मैंने। भाई मैंने कहा तीन ग्रेनेड है, धमाके से मचा दूंगा, रेड जोन बना दूंगा इनके ऊपर फोड़ फोड़ के भैया, लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन्हें। और उसके बाद और तो सामने से ना बहुत जोर की गोलियां चल रही थी, मतलब ऐसे जैसे ना एक दूसरे को मारम पिट्टी कतई चलो हाथापाई चल रखी है, धड़म धड़ धड़म धड़ 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 धड़म धड़। मैंने कहा यार तुम अकेले अकेले काहे लड़ रहे हो बे, व्हाई यू फाइटिंग अलोन नुबड़ा, हैं साथ में लड़ो ना करके, अकेले अकेले मेरे को इनवाइट किए बिना लड़ रहे हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक मॉली किया जिससे ये लोग ना यहाँ पर आकर के टीपीपी ना ले पाए, और मैं फुटस्टेप से मेरे को पता चल गया था कि अंदर कम से कम भी तीन बंदे हैं। ओ भाई साहब मैंने बाहर निकालने की कोशिश करी फ्लैश बैंक से, बट ये आई नहीं बाहर निकल के। एक लेफ्ट में एक राइट में नहीं जा पाएंगे, मैं नेट देता हूँ लोगों को। अरे क्या बात कर रहा है? नहीं दो ही उड़े थे, एक ही उड़ा था तो त्रिपीड में दो दिखाया। क्या बात। और भाई डीबीएस, अरे अरे देखो वैसे तो डीबीएस बड़ी दो कीड़े की गन है, लेकिन इस बार इसने वक्त बदल दिया, जैसे बात बदल दी जिंदगी बदल दी। नहीं कहने को तो ये दो कीड़ी का वेपन है डीबीएस, लाइक किसी को पसंद नहीं होती नहीं, लेकिन भाई देखो क्या मारती कभी का बाद मजा आ गया। हो गया बंदा। क्या भी अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है और आप अगर ऐसे डेली कंटेंट देखना चाहते हैं ऐसे पबजी का मजेदार कंटेंट, रिएक्शन वीडियोस, फनी 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 कंटेंट, तो सब्सक्राइब कर देना जरूर जल्दी जा करके नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे तुम कोई भी मेरी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाओ। अब इसके बाद हमको पता था जॉर्जपुर में और बंदे हैं ठीक है, तो हमने जल्दी से यहाँ पे अपनी गन वन ली, थोड़ा रीलोड वीलोड किया, यू नो मैंने बोला क्रैकर को यार तू भी गन उठा ले, ढंग की क्या चला रहा है ये, दो कीड़े की गन है डीबीएस टाइप है यार, डीबीएस में कोई गन है क्या बताओ बेटा है। तो हम फिर जॉर्जपुर से निकल गए क्योंकि हमको और बंदे मिले नहीं, हमको पता था बंदे वहाँ पे लेकिन वो भाग गए, एंड उनका पीछा करते करते हम भी रोजॉक की पहाड़ियों पर आ गई। अब रोजॉक की जो पहाड़ी थी यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो हमको ना खुले में चार बंदे भागते हुए दिख जाते हैं, मतलब भाई इनको देख के तो पता मेरी हंसी छोड़ गई बारी को, मैंने कहा अरे ये क्या खेल रहे बे, ये कौन सा गेम है बे। और पता यहाँ पे तुम स्प्रे देखना तुम्हारे भाई का, भाई इनके मुंह पर जो स्प्रे पड़ा M4 का,
वक्त बदल लिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ ये रे बंदा रे। Enemies ahead. चार हैं पूरे। मैं लेफ्ट से जाता हूँ। दोनों के? हाँ दोनों हुए थे। लेफ्ट में ना होगा एक और। एक और है वो। वो आगे पत्थर पर है। रुक जा। नहीं नहीं। आगे मार दे भाई, मारो मुझे मारो। अरे क्रैकर भैया क्या कर दिया तुमने ये अपने गेम प्ले के अंदर। अगर ये भी फट जाता ना पटाखा सा, इसको मैं बहुत सुनाता। एक्चुअली में क्या हुआ, ये कह रहा था इसकी 300 पिंग हो गई थी फाइट करते करते, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा उससे कितना टाइम लगा उसको मारने में। मतलब एक साल लगा दिया मेरे नॉकआउट होने के बाद। मैं वो खत्म भी कर सकता था, इसको भी मार सकता था, लेकिन भाई लख हम बच गए। अब एक्चुअली तुमने नोटिस किया होगा, जब वो गाड़ी के अंदर दो बंदे बैठे थे तो उनको कितनी गोलियां मारी मैंने भाई। मतलब 30 की 30 गोली ना, 30 की 30 पूरी की पूरी उनमें भर दी थी, तब जाकर के नॉकआउट हुए। क्या डैमेज खाया उन्होंने उधर भैया। उसको लाइक भाई ये मर क्यों नहीं रहे, इतनी गोलियां खा रहे भाई। एक्चुअली क्या होता है ना, गाड़ी के अंदर जब तुम गोली मारते हो तो यूजुअली डैमेज स्प्रेड हो जाता है दोनों बंदों को या तीनों बंदों को, जितने भी होते हैं। ऐसा नॉर्मली मैंने देखा है, कुछ गारंटी नहीं है भाई, लेकिन ऐसा देखा। अगर तुमको ये पसंद आया क्लच तो भाई यार लाइक का बटन दबा देना नीचे आकर, क्योंकि अभी और एक खतरनाक क्लच होने वाला है, बहुत मजेदार वाला भाई। कते पेलम पाली वाला भाई, कते पेलम पाली वाला है। इनकी गाड़ी के तो चीथड़े उड़ गए भाई, इनको तो जादू कर दिया इनका तो, मार मार के जादू। अब इसके बाद हमने जल्दी से लूटम लाटी से करी हुई लूट, यार इंपॉर्टेंट होती है कुछ भी बोलो। अब मेरे पास AKM के साथ M4 वाला एकदम परफेक्ट कॉम्बो सेट है, और जो जोन है ना थोड़ा मिलिट्री की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। हम बंदों को ढूंढने जाएंगे, मुश्किल ही है मेरे को जहाँ तक अपनी किस्मत का पता, में बंदे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा हम एक जगह बैठ जाते हैं, वेट करते हैं आने का, बच से ही आएंगे। कैसा आइडिया? समरे अपन मैं एक बच्चा होगा उनका, लेकिन यहाँ पे नहीं है, है ना? वो आया ही नहीं है। अरे भाई मैं बच गया भाई। भाई मैं कह रहा था ना ब्रिज से आने वाले, ओ बंदा यहाँ। एनिमीज अहेड। स्कोप है कोई 6x 4x 8x में करना। अब इनका एक चौथा बंदा था जिसकी लोकेशन भी मैं पता चल चुकी थी यहाँ पर। ये तेरे को मौत से डर नहीं लगता? तू वहाँ से मेरे को गोली मार रहा है और तू आखिरी बंदा है। तू जानता है हम दो बंदे हैं तो फाइट हमारे फायदे की है, और तेरे को अभी इतना बुरा बुरा स्प्रे पड़ा है, लेकिन तू तब भी पीक ले रहा है बेटा। आप देख तेरा पीका चूना कर दिया मैंने तो, मेरा नाम बैन ब्रुनाई राजा ठेरे ऐसे डाले शिमला वाली यूज निकालो बे, भेजेंगे साले को वापस लॉबी में। इसको पड़ी है, इसको डैमेज तो पड़ा है। अबे बहुत बोल रहा था है, कैसा मजा आ गया। मैंने इधर अपनी ट्रिक यूज करी गाड़ी वाली। एक्चुअली मेरी जो गाड़ी वाली ट्रिक है वो ऐसी है कि तुम फुल स्पीड गाड़ी लेके जाओ एंड एंड टाइम पे ब्रेक मार के ना उसको चलती गाड़ी से कूद जाओ। नॉर्मली क्या होता है, बंदों का जो एम रहता है ना वो गाड़ी के साथ ही चिपका रहता है, वो गाड़ी पर ही गोली मारते रहते हैं।
तुमको कुछ नहीं करना, उनके मुंह के सामने कूदना है चलती गाड़ी से, जिससे उनका जो एम है वो गाड़ी पर ही रहे, और एकदम से ना ड्रॉप शॉट मार देना है। तो क्या होगा लाइक अगर उन्होंने एम तुम गाड़ी से हटा करके इंस्टेंटली तुम्हारे ऊपर ले भी आए तो, बट जो तुम्हारा ड्रॉप शॉट है ना वो करना बहुत ज़्यादा यू नो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, एंड बहुत ईजिली तुम उनको मार पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि जब सामने वाले को लगता है कि चलो तुम गाड़ी में हो, तुम गाड़ी से कूद गए तो वही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। तो फिर वो अपना एम गाड़ी से तुम्हारे सर पे लाता है एकदम से तुमको तेजी से मारने के लिए, तब तुम एकदम से उस पर ड्रॉप शॉट मार दो। तो जैसे तुम ड्रॉप शॉट मारोगे ना तो उसका तो एम हवा हवाई हो जाना है, तो फिर तो सोचता ही रह जाएगा अरे भाई क्या बंदा चलती गाड़ी से खड़ा होकर के लेट गया भाई, और उतने में उसकी पेटी बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर करने लग जाते हैं ब्रिज कैंप, ठीक है। ब्रिज कैंप होते ही भाई देखना ध्यान से देखना सामने से ना बंदा खुले में भागे आ रहा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे जोन जा रहे हो, गाड़ी कहाँ है आपकी, ये कहाँ भागे भागे जा रहे हो, भाग में क्या भाग हो रहे हो, कतई तुम है नुबड़े। देखना सामने गाइस भागा भागा आ रहा है, हद यार मतलब जोन नहीं जाना तेरे को, भाग करके जा रहा है यार हद। तो अब मेरे सामने से बंदा भाग के आ रहा है और दूर ही मेरे को दिखता है एक और बंदा इसी का टीममेट कहीं से भागा आ रहा है। भाई वो तो जोन पहुंचेगा नहीं, ये शायद एक बारी को पहुंच भी जाए, वैसे मुश्किल तो दोनों का ही है जोन पहुंचना, इसको तो यहीं भी मारने वाले हम। अब इस बबुआ की तो पेटी यहीं बन गई, ठीक है। और इसके बाद हमने गाड़ी निकाल करके जोन की तरफ निकल लिए। अब तुम देखना जोन बहुत छोटा है, लाइक मजाक से हट के ये जोन बहुत डैमेज देगा, तो हमको जल्द से जल्द जोन में घुसना। मैंने क्रैकर को बोला जल्दी बैठ भाई, वो सब तो गए जोन के बाहर, इसकी स्क्वाड भी जोन के बाहर मरेगी। एक्चुअली यार इन पे गाड़ी नहीं थी, लाइक इतना बड़ा आइलैंड है अपना ये रैंगल का सामने वाला पोचेंगी वाली साइड का, इन नुबड़ों को वहाँ पर गाड़ी नहीं मिले एक है, फेरी पियर जाते वहाँ मिल जाती गाड़ी तो बहुत आसानी से मिल जाती। मतलब नंगा भागा आ रहा है बंदा ब्रिज के बीचों बीच, हद है भाई फिर तो तुम्हारी। मतलब अगर सामने वालों ने ब्रिज गैम कर भी लिया एक बारी को तो तुमको तो पता है कि तुम मरोगे, ये गाड़ी को तो एक बारी को बच भी जाओ भाई, कूद गाद दिए फुल स्पीड में निकल लिए, लेकिन नहीं क्या होता है होता। बड़े बड़े रैंगल में ऐसे छोटी छोटी शनक वाली बातें होती रहती है कैब के। अब मैंने भी गाड़ी निकाली, अब चार बंदे बचे थे, तो हम ना गाड़ी लेकर के यहाँ से जा ही रहे थे। तो मेरे को ना राइट साइड में लाइक जो अपने कंपाउंड से मैं वो चेक कर रहा था कि कोई कंपाउंड में ही होंगे यार, चार बंदे मुझे लगा एक ही स्क्वाड के। तो मैं ना कंपाउंड देख रहा था अपने आसपास कि तुम नोटिस करो रैंगल 2.0 के अंदर इन्होंने ना यहाँ पर बहुत सारी प्लेन ऐड कर दी है, बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड कर दी हैं इन्होंने, एक्चुअली रेलिंग भी एक तरह से तोड़ दी है पूरी। तो पता नहीं यार रैंगल 2.0 के अंदर ना एक्चुअली इन्होंने जो मैप के अंदर चीज़ें हैं ना लाइक घर हो गए, प्लेन हो गए, बैरक्स हो गए, ये सब न्यू चीज़ें बहुत ज़्यादा डाल दी है। तो क्या होगा अब इससे ना स्क्वाड्स एंड सर्कल में ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगी, ज़्यादा अच्छा होल्ड कर पाएंगी। अब भाई गाड़ी लेकर के अपन यहाँ चेक करने आते हैं कि यहाँ कोई छुपा हुआ है क्या, कोई मिलता नहीं। फिर मैं देखता हूँ यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, ऐसा करता हूँ जाकर के बग्गी लेता हूँ। तो बग्गी लेते ही ना मेरे को एक एयर ड्रॉप दिखता है, उसके पास जाता हूँ तो वहाँ पर भाई बने होते पूरे की पूरी स्क्वाड गुटका धारे नागिन, सालो तुमरी ऐसी तैसी सांप बनोगे, सांप बनोगे इधर तुमरे तुमरे ऐसी तैसी। Enemies ahead.
गेयर कब पता नहीं कम मर गए कम नॉक हो गए पता नहीं चला था तो आग लगे भाई बस्ती में इंसापों की मस्ती में मार ली मैंने ठीक है। अब भाई यार ये सांपों ने तो कतई जहर वहर सब उगल दिया मेरे पे तेजी से। अब भाई बचा था एक आखिरी गुटका ढारे नागिन है ये जहर बहुत डेंजरस उगलता है। आखिरी बंडा हमेशा सबसे खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसकी लोकेशन उसकी जगह उसको मारने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब मिलने बड़ी हार्ड होती है। मतलब इतने बड़े सर्कल में एक आखिरी सांप को कहाँ ढूंढें और अगर ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमको हमसे पहले ढूंढ लेगा तो फिर पता है ना क्या होगा उसका स्प्रे आएगा और हमारा रिंगा रिंगा रोजेज हो जाएगा। तो रिंगा रिंगा रोजेज ना हो इसलिए चुपचाप बेटा एक घर में बैठ जाओ एंड्रू ज़्यादा घूमो ना लालम पिटम पेलम पाली हो जाएगी तुम। अब भाई हम इधर घर पर आकर के बैठ जाते वेट करते कि भाई देखो जो होगा बंदे कहीं से आएंगे तो एकदम उनको ना हाय हेलो सी कर देंगे देख लेंगे क्या चल रहा है यार इनका भी ज़िंदगी में है। तो मैं इधर आ गया और मेरे को सामने दिखता है भाई अरे भाई मारो वहाँ से बंदा डीपी उठा करके ना क्रैकर को मार रहा है। छोटा सर्कल है तुम नोटिस करो सर्कल बहुत छोटा हो गया वो एकदम से आता है क्रैकर को फुल स्पीड डीपी मारे जा रहा है। फिर तो तुम्हारे भाई की सटक ली मैंने कहा मेरे पटाखे को फोड़ करके मेरा इंतकाम देखोगे। Enemies ahead. तो गाइस आज की वीडियो में पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना एंड जरूर लाइक भी कर देना इस वीडियो को। लाइक तो तुम कर नहीं रहे लाइक करो भाई शेयर भी करो लाइक शेयर करो। बाय टेक केयर पीस आउट कल मिलूंगा विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।